हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम टू माय चैनल। तो बेटा आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अक्सर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे वादा लेती हैं कि आप वो उनकी सुरक्षा करेंगे, वो उनके साथ उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। मेरी भी अपनी एक बहन है एंड इनफैक्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स टेक्निकली फीमेल हो या मेल हो, वो मेरे भाई और बहन हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप लोगों के प्यार मेहनत की वजह से हूँ। और बड़ी खुशी मिलती है जब कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है जब कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा किसी मेडिकल कॉलेज में हो गया, जो कि मेरा रोल उसमें 10% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट मुझे बहुत दुख भी होता है जब कोटा जैसी इंस्टेंस होती है। मेरे खुद के अनअकैडमी के नोएडा सेंटर में पिछले साल कुछ ऐसा हो गया था एंड उस हादसे से उबरने में मुझे 1 महीना लगा था। तो आप सोचो कि जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा उनके माँ बाप को उस हादसे से उबरने में कितना समय लगा होगा। तो आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पे मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी लिमिटेड रीच है, देखो मैं दुनिया तो नहीं बदल सकता, ना ही मेरे अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है, ना बहुत ज़्यादा पैसा है कि मैं बहुत चीज़ें बदल पाऊँ, बट अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में हम एक स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रहे हैं बच्चे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कॉल सेंटर का सेटअप हमने शुरू कर दिया, अगले वीक तक आपको ये नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए अलग अलग तरह के काउंसलर्स होंगे, कुछ एकेडमी काउंसलर्स होंगे, कुछ आपके मेंटल हेल्थ के काउंसलर्स होंगे, कुछ आपके गार्जियंस होंगे जो आपको मदद करेंगे कोई भी एडवर्स सिचुएशन से ओवरकम करने में। चाहे कोई भी समस्या हो, आपने किसी से कर्ज ले रखा हो, आपको कोई गंदी आदत हो, आप ऐसा कुछ हो जो अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं, तो उन सब चीज़ों का निवारण देने की कोशिश करेंगे हम और आपको सही मार्गदर्शन देंगे। इसमें कुछ और मेजर इनिशिएटिव है, हम सेक्स एजुकेशन पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, हम एडोलेसेंस आपके हार्मोनल चेंजेस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, हम ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल अब्यूज़ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, हम मेंटल हेल्थ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक वादा मैं आपसे करूँगा बेटा, आपका अगर MBBS में सिलेक्शन नहीं भी होता है, देखो ये फैक्ट है कि आप में से 95% या 98% बच्चों का MBBS में सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दुनिया ख़त्म हो जा रही है यहाँ पे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा बेटा, तो हम आपके लिए ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन बताएंगे जिससे आप एक कंपैरेटिवली हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। सब डॉक्टर बन जाए ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, कुछ डेंटिस्ट भी बनेंगे, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी बनेंगे, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बनेंगे, कुछ विदेश जाके भी MBBS की परीक्षा क्लियर करेंगे। तो हम कुछ बैलेंस आउट करेंगे जिससे आप कुछ करें ना करें बट आप जिंदगी में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एंड ये पूरी एंड टू एंड काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है और इसमें मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा। बेटा मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं घर से बहुत वेल ऑफ हूँ, मतलब मेरे पिताजी प्रोफेसर थे तो मैंने कुछ बहुत ऐसा दुख नहीं देखा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, देखा फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं ठीक ठाक घर से पैदा हुआ, मेरे घर वाले अभी भी सक्षम हैं, वो अपना खर्चा खुद से उठाते हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, ना मेरी कोई लाइबिलिटी है, ना मेरे कुछ ऐसे खर्चे हैं, और मैं अनअकैडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे पैसे दिए जिससे मैं आज ये इनिशिएटिव्स कर पा रहा हूँ। मैंने अनअकैडमी की बड़ी महंगी नौकरी, मतलब मैं शायद भारत का सबसे ज़्यादा महंगा टीचर हूँगा, तो मैंने बड़ी महंगी नौकरी इसलिए ही छोड़ी कि मैं आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट ला पाऊँ, आपके लिए अच्छी अफोर्डेबल एजुकेशन ला पाऊँ। देखो एजुकेशन कभी बेटा फ्री नहीं हो सकता आपको, है ना, बट अफोर्डेबल ज़रूर हो सकता है, और यही इनिशिएटिव हम लोग फंडा बॉक्स के थ्रू भी लेते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, मुझे बुरा भी लग जाता है कि फिर आ गया ये किताब बेचने। बेटा समझो कि जितना मैं फंडा बॉक्स की किताबें बेच लूँ ना, तो भी मैं जितना अकेडमी में कमाता था उतना कभी नहीं कमा पाऊँगा। फंडा बॉक्स का उद्देश्य यही था कि हर बच्चा इम्पावर हो जाए एक सेल्फ स्टडी मॉड्यूल के लिए। हम किताबों को इतना स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं
कि वो किताबें इवेंचुअली आपको किसी टीचर की ज़रूरत ना दें। कोई दूर गांव का बच्चा है, कुछ गांव में पढ़ रहा है जिसके पास टीचर का कोई एक्सेस नहीं है, तो उस किताब की मदद से अपनी सारी डाउट को क्रॉस कर पाएगा, अपनी सारी डाउट को सॉल्व कर पाएगा। और यही मकसद से मैंने फंडा बॉक्स लॉन्च किया था। आप देखोगे इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे भी हमने 76% का डिस्काउंट दिया था। मतलब अगर आप सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट भी अगर किताब की निकाल लोगे तो भी मुझे वो महंगा पड़ता है। बट आज भी राखी के इस उपलक्ष्य पे हमने फंडा बॉक्स किताबों पे 60% का डिस्काउंट दिया। आप web.fundabox.in पे जाइए बेटा, या फंडा बॉक्स ऐप इंस्टॉल कीजिए और एक चैप्टर का डेमो ज़रूर लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि हम जिस प्राइस पॉइंट पे ये ऑफर कर रहे हैं, मतलब पूरी बायोलॉजी की किताब क्लास 11th और क्लास 12th, 500 पेज की क्लास 11th की किताब है, 326 पेज की क्लास 12th की किताब है, 1600 रुपये में दे रहे हैं। तुम जेरोक्स कराने जाओगे तो 1 रुपये से ज़्यादा का प्रिंटआउट मिल जाता है आपको। ये कलर बुक 1600 रुपये में, इंक्लूडिंग 7000 क्वेश्चन और पूरे वीडियो लेक्चर्स विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब टेक्निकली ये पूरा का पूरा एक कोर्स है जो आपको अवेल कराया जा रहा है। तो अगर आपकी बायोलॉजी की तैयारी सही नहीं चल रही तो आप इसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि हेल्पलाइन नंबर की सारी डिटेल बेटा आपको अगले वीक हम प्रोवाइड करा देंगे। बेहिचक होके भाई समझ के अपना मुझे कॉल कीजिए। ऑब्वियसली मैं सारे फ़ोन के जवाब तो नहीं दूंगा बेटा, बट सारे फ़ोन का डेटाबेस, सारे एक्सेल शीट, आपकी क्वेरी सब मेरे पास मेंटेन होगी। और किसी बच्चे की कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम समस्या होगी तो मैं उससे बात भी करूँगा। तो आज से आनंद सर बोलना बंद हुआ, आज से हो गया मैं आनंद भैया आप लोग का, ठीक है। लड़के हों लड़कियाँ हों, ठीक है, आप लोग सब समझो कि आप लोगों ने मुझे आज वर्चुअल राखी बांधी है और आप सबके सफलता की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठाई है। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं, जितने मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की, मतलब मुझे बड़ी खुशी मिलती है बच्चों की, 2021 बैच का कोई बच्चा 2 साल बाद मुझे मैसेज करता है कि सर मेरा कर्नाटका के सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन हो गया। कोई बच्चा 2020 से मेरे साथ जुड़ा हुआ था, लगा था, मेहनत कर रहा था और आज उसका सिलेक्शन हो गया। और मुझे वो भी खुश उतना ही करता है कि मेरा कोई स्टूडेंट का म्यूज़िक एल्बम निकल गया, वो डॉक्टर नहीं बना बट वो किसी और फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो मेरी आंखें भर आती हैं इन सब चीज़ों को देख के। एंड आप कुछ भी करें उसमें पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करें और आप ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होंगे बेटा, है ना। किसी को नहीं पता होता किस्मत ने आपके लिए क्या संजो के रखा हुआ है। मेरे लिए मुझे क्या पता था कि मैं पढ़ाऊँगा और पढ़ा के आपकी मदद से, आपकी कृपा से इतना फेमस हो जाऊँगा। तो किस्मत किसी ने नहीं देखी है, आपका काम है आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, फ्रस्ट्रेट ना हो, तुरंत रिजल्ट की चिंता ना करें एंड इवेंचुअली सब अच्छा हो। सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मुझे भी यही दिक्कत आती थी, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या करना है। और बहुत ऐसे बच्चों के जिनके साथ ये समस्या है, बट ये काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर उनके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। एंड लेकिन इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए बेटा। जो पैसे मैं कोर्सेज से थोड़ा बहुत कमाता हूँ उन्हीं पैसों को मैं एज अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के थ्रू इसमें रूट करूँगा और वो वापस आप तक ही पहुँचेगा आपके बेनिफिट के तौर पर। तो मैं तो अपना रक्षाबंधन इसी तरह से मना रहा हूँ। अगर आप लोग भी सक्षम हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और सक्षम है किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करने में, तो उनको ज़रूर एक तोहफा दें फंडा बॉक्स बुक का। किसी सरकारी स्कूल में जाके किसी 2 बच्चे को भी आप ये किताब दे देंगे तो बड़ा भला हो जाएगा उनका। हम रेगुलर इंटरवल पे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये काम करते हैं और हमारी कोशिश से अगर 100 में से कोई 1 बच्चा का भी ज़िंदगी सफल हो जाता है तो आपने ज़िंदगी के सारे पुण्य कर लिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई स्टूडेंट्स फ्रॉम योर आनंद भैया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।